हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आज करने वाले हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, तो आप पिक्चर में देखिए, ये जो अर्थ और इमेजिनरी लाइंस ने काट रखा है ना, वाटरमेलन की तरह, जैसे हमारी वाटरमेलन होती है उसी तरह की लाइंस आपको इसमें दिखेंगी, इनको हमने लॉन्गिट्यूड्स कहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स मतलब जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं, लैटिट्यूड्स मतलब जो लेटी हुई लाइनें होती हैं। तो आज हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उनको बांटना ज़रूरी है, उनकी इमेजिनरी लाइन करनी ज़रूरी है अगर हमें किसी चीज़ की लोकेशन का पता करना है। ओके, चलिए, उसने कहा व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, आपकी बुक के पेज नंबर 12 पे मिलेगा ये। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस, किसी चीज़ की पोजीशन, किसी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड्स की नेसेसरी रहती है, क्योंकि लैटिट्यूड्स हमें ये बता सकता है कि कोई चीज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है, बट ये नहीं बता सकता कि एक्यूरेट उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू नोन समथिंग मोर दैट द लैटिट्यूड्स ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियंस। ठीक है, अब इसके लिए तो वर्ल्ड का मैप देखना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं हम कि टोंगा कहाँ पे है। ठीक है, ये आप कह सकते हो कि टोंगा आइलैंड यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ जो मैं डॉट डाल रही हूँ थोड़ी सी इस पर। ठीक है, और दूसरा कौन सा बताया था इन्होंने, मॉरिशियस। मॉरिशियस कहाँ है, पैसिफिक ओशियंस में। टोंगा है पैसिफिक ओशियन में और मॉरिशियस है इंडियन ओशियन में। अब इंडियन ओशियन कहाँ है, ये इंडिया के नीचे मिलेगा ना आपको, इंडियन ओशियन यहाँ पे मिलेगा आपको, एक सेकेंड। ओके, यहाँ आपका आ गया मॉरिशियस, सॉरी यहाँ पे आपके आ गया टोंगा और यहाँ आपके आ गया मॉरिशियस। तो मतलब हैं तो ये एक ही इस जगह पे। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मतलब अगर आप देखेंगे ना तो इसकी लैटिट्यूड सेम है, लैटिट्यूड दोनों की सेम आएगी, ये वाली लाइन लगभग बराबर है दोनों की, लेकिन यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड्स है वो अलग अलग है। ओके, अब यहाँ से लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग है। अगर मैं कह दूँ कि जो टोंगा है वो 20 डिग्री साउथ में है, 20 डिग्री, ये दोनों ही आपके 20 डिग्री पे हैं, टोंगा भी और मॉरिशियस भी, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे है, क्योंकि इस लाइन पे जितने भी एरिया आएंगे वो सारे 20 डिग्री में होंगे। ठीक है, तो इसका आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा, जो ये हमने लैटिट्यूड्स लगाई हैं, जो लंबी लंबी लाइनें लगाई होती हैं, इमेजिनरी लाइन है, ये भी लगा नहीं रखी हैं, इमेजिनरी लाइन है, याद रखिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि टोंगा और मॉरिशियस में, मतलब टोंगा कहाँ पे है और मॉरिशियस कहाँ पे है। मान लीजिए ये एक बीच की लाइन जो ये दिख रही है, ये वाली लाइन को हमने मान लिया, हम कहेंगे कि जो मॉरिशियस है वो 10 डिग्री जो है वो वेस्ट में है, किससे, इस लाइन से। मान लीजिए ये अगर 90 मान लीजिए इसको कि ये 90 है, तो हम कहेंगे कि मॉरिशियस जो है वो 10 डिग्री कहाँ पे है, 10 डिग्री वेस्ट में है, किसके, 90 वाली लाइन। हम इधर क्या कहेंगे कि टोंगा जो है वो मान लीजिए यहाँ का ज़्यादा है फ़र्क, हम कह देते हैं कि ये 15 डिग्री ईस्ट में है। तो जैसे हमने अर्थ को डिवाइड किया था नॉर्थ और साउथ में, ऐसे नॉर्थ और साउथ भी किया था ना, इसी तरह हम अर्थ को डिवाइड करते हैं ईस्ट, ये वेस्ट और ईस्ट में। इससे हमें लोकेशन का आइडिया बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो भेज रखी है उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लोकेशन का पता करने के लिए हमें सिर्फ लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। हम लॉन्गिट्यूड लाइन के ईस्ट या वेस्ट में उसकी एक्यूरेट पोजिशन पता करके बता सकते हैं कि कोई प्लेस कहाँ पर है। ठीक है, आगे चल। उसके बाद वो कह रहे हैं नाउ इन ऑर्डर लोकेट, ओके, लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ रहे थे हम लोग। उसके बाद आ रहा है दीज प्लेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो ये हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, देखिए ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जा रही हैं। ये तो बीच में जो है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, ये 0 डिग्री है, इसे
प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन, ज़ीरो डिग्री हमने इसको माना, जैसे हमने इक्वेटर को ज़ीरो डिग्री माना था ना, इसी तरह से यहाँ भी ये ज़ीरो डिग्री माना प्राइम मेरिडियन। और इसमें वाटरमेलन की तरह सारी की सारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इस तरह से आती हैं। और एक बात और जो ध्यान देने की आगे भी आएगी कि सारी लॉन्गिट्यूड्स यहाँ पे इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और पोल्स में जाते जाते ये डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सारी एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि आगे पढ़ते हैं इसको, वो कह रहे हैं दीज लाइन्स, एक सेकेंड, उन्होंने कहा है कि दीज लाइन्स, लास्ट लाइन देखिए, लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लैंगिट्यूड्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इन लाइन्स को, जैसे उनको लैटिट्यूड्स बोल रहे थे हम, लेटी हुई लाइन्स को, तो ये लंबी लाइनों को मेरिडियन बोलते हैं, सारी लंबी लाइनों को मेरिडियन बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ओके। आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं आपका, ये रहा आपकी बुक में 13 पेज है, दिस डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन लॉन्गिट्यूड, जैसे हम उनको भी डिग्रीज में मेजर कर रहे थे ना, हम इनको भी क्या करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी डिग्रीज कहाँ है, ये देखिए, ये भी डिग्रीज में मेजर हो रखे हैं, ज़ीरो, ज़ीरो के बाद 30 वेस्ट, फिर 60 डिग्री वेस्ट, फिर 90 डिग्री, फिर 120, फिर 150, फिर 180, इसी तरह इधर 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री, ठीक है, फिर 90 डिग्री होगा, फिर 120, ऐसे इस तरह से, ठीक है। हम इन्हें भी कैसे मेज़र करते हैं, डिग्रीज में मेज़र करते हैं, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं आगे, यस, वो कह रहे हैं ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, सारी डिग्रीज मिनट्स में डिवाइडेड होती है, मिनट्स में कैसे डिवाइडेड होती है मैं आपको बताऊंगी, दे आर सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्यों है, देखिए सेमी सर्कल तो आप, सेमी सर्कल क्या होता है, आधा, तो ये देखिए आधी, तो ये एक डिग्री यहाँ हो गई, इसकी आधे वाली डिग्री इधर से इधर जा रही होगी, आपको दिखाई नहीं दे रही बट नीचे से जा रही है, तो आधा यानी सेमी सर्कल, आधा सर्कल बनाती है ये डिग्री। इसके बाद आ रहा है इनका, दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोल्स की तरफ जैसे ही जाते हैं वैसे ही इनका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे कम हो जाता है, पोल्स के पास जाने से इनका डिफरेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ज़ीरो डिग्री पे पोल्स पे जाकर ये सारी मिल जाती हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल पे मिले चाहे वो साउथ पोल पे मिले, ठीक है, ज़ीरो डिग्री पे जाकर मिल जाती हैं, ये पैरेलल नहीं है उसकी तरह जैसे प्राइम मेरिडियन उसमें लैटिट्यूड्स में वो पैरलर चल रही थी, ठीक है, इस तरह ये पैरलर तो है लेकिन ये यहाँ पे जाकर मिल जाती हैं, बिल्कुल पैरलर नहीं है, इनमें डिफरेंस है, काफ़ी फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे जो बीच में होंगी वो काफ़ी गैप होगा और यहाँ जाकर ये पोल पे मिल जाएंगी, ठीक है। अनलाइक पैरलर ऑफ लैटिट्यूड आल मेरिडियन आर इक्वल लेंथ, देखिए सारे मेरिडियंस की यहाँ से तो जैसे लैटिट्यूड्स की इक्वल लॉन्गिट्यूड्स की इक्वल लेंथ नहीं होती है, इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट कोर्ट ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम अ मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप मैंने बतानी, इसी से पता चलेगा आपको सारी चीज़ों का, ठीक है। ग्रीनविच, अच्छा ये जो जीरो डिग्री हमने यहाँ पे बताई, ये जीरो डिग्री, ठीक है, ये जीरो डिग्री क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट बड़ी डोमिनेंट रहती थी, बड़ी पावर में रहती थी, और वो हमसे ज्योग्राफिकली काफ़ी आगे रहते हैं, काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं, बहुत जल्दी से किसी चीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं, तो उन्होंने ही ये इमेजिनरी लाइन बनाई प्राइम मेरिडियन, जिसका नाम दिया, ये ग्रीनविच में है, ये जो प्लेस है ये प्लेस ग्रीनविच में है, ठीक है, ग्रीनविच में है ये प्लेस, और ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने इसे स्टार्टिंग करी थी। देखिए मैंने आपके लिए एक पेज, मैं इसको वो भी कर दूंगी आपके पास, व्हाट्सएप कर देंगे, इसमें लिखा है द लॉन्गिट्यूड्स रनिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, लंदन के पास एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने एक, आप ये कह सकते हो कि प्राइम मेरिडियन नाम की एक इमेजिनरी लाइन को मेंशन किया, और पूरा सारा का सारा वर्ल्ड जो है वो उसी को मानता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे टाइमलाइंस डिसाइड होती हैं, ठीक है। आगे करते हैं, इन्होंने कहा है कि जो प्राइम मेरिडियन मैंने बताया आपको ज़ीरो डिग्री, वो ज़ीरो डिग्री से हम टाइम कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है कि अर्थ एक राउंड 24 आवर्स में कर रही है, और ये डिग्री कितनी है 360, यानी पूरा सर्कल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन आवर का निकाल
यानी कि डिवाइड करेंगे 24 से, कितना आ गया 15 डिग्री। तो यानी कि एक घंटे में अर्थ कितना रोटेट करती है, 15 डिग्री, 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। अब उस 15 डिग्री को मिनट्स में निकालें हम तो कैसे निकालेंगे, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। और 60 मिनट्स में वो रोटेट करती है 15 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री करेगी, मतलब 1 डिग्री कितना मिनट में करेगी, 60 बाय 15, 4 मिनट, ठीक है। यानी 1 डिग्री रोटेशन कितने में हुई अर्थ की, 4 मिनट में, ठीक है। अब हुआ क्या, आगे देखिएगा, एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, आपने ये आपकी बुक में आपको दिखेगा पेज नंबर 14 पे मैप दिखेगा आपको, ठीक है। उस मैप में आपको एक चीज़ देखनी है कि कहाँ टाइम्स दे रखे हैं उसमें, है ना। इस टाइप का मैप नहीं है पर है कुछ ऐसा ही। उसमें आप देखिए, आपको दिखेगा कि ग्रीनविच एक जगह दिखेगी। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो लाइन है अर्थ की, ये जो आपको दिखे टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन दिख रही है, यहाँ से इस पिक्चर को जब आप जूम करके देखेंगे ना आपको दिखेगी, ओके। ये जो लाइन है ना हमारी, ये हमारी क्या है, ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, ओके। ये हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है। सेम अगर मैं इसको इधर अगर मैं इसको इधर इधर कर देती हूँ तो यहाँ पे भी अर्थ गोल इंटरनेशनल डिक्लाइन आ गई है। अब ठीक जब आप ग्लोब को देखते हो ना, तो ग्लोब में ठीक इसके अपोजिट, यानी जब आप इसको सर्कल करोगे ना तो बीचों बीच दिखेगी क्या, ये दिखेगी आपको प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अगर मैं ग्लोब में आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो जैसे जैसे प्राइम मेरिडियन आपको ग्लोब में दिखेगी, जस्ट उसके अपोजिट साइड में आपको इंटरनेशनल डेट लाइन दिखेगी, ठीक है। आगे करते हैं, इसको मैं ग्लोब में भी आपको क्लियर करके बताती हूँ, एक मिनट देखिए। थोड़ी सी प्राइम मेरिडियन दिख रही है, अगर आप पूरी बॉल को देख पाते, पूरे ग्लोब को देख पाते तो आपको इसके पीछे बिल्कुल क्या दिखेगी, इंटरनेशनल डेट लाइन दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि अगर ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ध्यान से देखिएगा, तो जो कंट्रीज़ प्राइम मेरिडियन के इधर आते हैं यानी कि वेस्ट में आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कंट्रीज़ आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, और यहाँ का टाइम किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। वो प्लस माइनस को कैसे किया जाता है, आप ये देखिए, अगर हम प्राइम मेरिडियन को क्या मान देते हैं, प्राइम मेरिडियन को नहीं मान लिया कि यहाँ 12 बजे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी इस तरफ से इस तरफ अर्थ जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सन मिल जाता है, तो क्या होता है कि वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जा रही है तो यहाँ पे मान लो अभी सुबह हुई है, और ये तो फिर कंट्री इधर चले गए, यहाँ पे अभी सुबह होनी बाकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ सुबह हुई है तो यहाँ सुबह होने में अभी बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है, काफ़ी टाइम यहाँ पे सुबह होने में अभी पड़ा है। कितना टाइम पड़ा है वो डिग्रीज पे डिपेंड करता है, कितना डिग्री है और कितना टाइम पढ़ा है। एग्जाम्पल आपको आपकी बुक में दे रखा है, उससे आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने कहा है कि मान लीजिए यस, ये देखिए आप, ये आपको दिखेगा आपकी बुक में ही ये पिक्चर दे रखी है पेज नंबर 15 पे। अब मान लीजिए इन्होंने कहा है कि डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है, वैसे नॉर्मली डिब्रूगढ़ यहाँ मिलेगा आपको असम में, ठीक है, असम में, और ये हमारा है यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ डिब्रूगढ़ यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में, ओके, वैसे है यहाँ पे वो। आगे ये आपका हो गया डिब्रूगढ़, और ये आपका हो गया गुजरात में द्वारिका, ओके। चलिए अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि कैसे चल रही है, वेस्ट से ईस्ट में चल रही है, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा ईस्ट, मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो डिब्रूगढ़ में तो सुबह कितने बजे हो गई है, यहाँ सूरज निकल गया है और यहाँ जो है हमारे 7 बज गए हैं, ठीक है। लेकिन जो अर्थ की हमने अभी डिग्री निकाली थी 68 से 97 के बीच में, अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि इंडिया का टाइम ही 30 डिग्री कवर कर रहा है एरिया, यानी कि यहाँ से
यानी अगर हम ईस्ट से और वेस्ट तक आते हैं तो 30 डिग्री का टाइम 30 डिग्री है। 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि एक डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो 30 डिग्री में कितने मिनट लगे लगाइए अंदाज़ा, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री में लगभग 2 घंटे से ऊपर का टाइम हमारा होगा। तो यानी कि अगर यहाँ 7 बजे हैं, 7 बजे सुबह हुई है, तो इसका मतलब है कि जो ये गुजरात का एरिया था यहाँ तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और धूप निकलने का कोई आसार नहीं है, ठीक है। जब तक कि हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट तक रोटेट करती हुई जाएगी, तब जब यहाँ सुबह होएगी तो यहाँ कितना बज जाएगा, यहाँ 7 बजेंगे, लेकिन कैसे बजेंगे, अब यहाँ तो 7 बज चुके थे, यहाँ 5 बजे थे, तो उसको कवर करने के लिए क्या किया हमने, एक अपना स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर लिया, और वो स्टैंडर्ड टाइम जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स आ रही थी उससे मेज़र किया, ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स थी, ठीक है। हमने 1 घंटा हम इधर चले गए और 1 घंटा ये लोग पीछे आ गए और हम लोग इधर वाले 1 घंटा आगे चले गए, ठीक है। तो हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन हो गया। इसी टाइम से हम लोग अपनी ट्रेन्स को चलाते हैं, से हम लोग अपने एरोप्लेन्स को चलाते हैं, इसी टाइम से हम लोग अपना सारा काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा 2 घंटे का फ़र्क तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। मान लो वही जो एग्जांपल आपकी पहले वाली वीडियो में भी था कि आपके दोस्त का बर्थडे है, आपके यहाँ तो रात के 12 बज गए हैं, आपने सोचा 12:01 हो गया, चलो अपने दोस्त को गुजरात में फ़ोन करके बर्थडे विश कर दे, लेकिन वो बर्थडे विश कैसे करेगा, वो तो अभी 10 ही बजे हैं उसके वहाँ। तो क्या हुआ कि 1 घंटा ये आगे चला गया, तो यहाँ कितना बज गया, 11 बज गया, ठीक है। इधर से आप लोग 1 घंटा पीछे आ गए, ठीक है, तो यहाँ भी 11 बज गया। अब दोनों के टाइम में 11 बज गए, ऑब्वियस है जब दोनों के 12 बजेंगे तो एक साथ ही बजेंगे, ठीक है। इसीलिए हर चीज ने अपना क्या कर रखा है, एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर रखा है, ठीक है। और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो मेंटेन कर रखा है वो हमने कहाँ कर रखा है, अलाहाबाद। अलाहाबाद जो है एक पॉइंट है, आप कह सकते हो अलाहाबाद में हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, आईएसटी मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही हम इंडिया में अपने सारे रूट्स, ट्रेन्स के, एरोप्लेन्स के, सब इसी के अकॉर्डिंग ही तय करते हैं, ठीक है। और लैटिट्यूड्स पे कितनी पे है, तो हम लोग 82.5 डिग्री अर्थ लैटिट्यूड्स पे हैं, ठीक है। और हमारा एरिया कितने से, 66.5 डिग्री अर्थ से ईस्ट से लेकर 97 ईस्ट के बीच में इंडिया जो है वो लाई करता है, ठीक है, इंडिया जो है। उसके बाद आता है हमारा GMT कह लो, जिसको आप कहोगे कि टाइम कहाँ से डिसाइड होता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो कहते हैं जिसको, ठीक है, वो सब ऐसे आपको वीडियो में बता दिया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे फ़ोन पे पूछ लीजिएगा। इन्होंने एक एग्जांपल पीछे लास्ट में दिया है कि आपकी बुक के पेज नंबर 16 पे, कि जो हम नॉर्मली मैच है ना, मैच कौन से, क्रिकेट मैच जो होते हैं, कई बार हमारे यहाँ शाम को क्रिकेट मैच स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर वो ग्रीनविच में मैच खेला जा रहा है, एक बार फिर से दिखाती हूँ आप, अगर वो मैच ग्रीनविच में खेला जा रहा है, ग्रीनविच आप मान लीजिए यहाँ, ठीक है, जहाँ आपकी प्राइम मेरिडियन है, यहाँ अगर वो मैच खेला जा रहा है इस लाइन पे कहीं भी, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब वो मैच अगर इस लाइन पे यहाँ पे खेला जा रहा है, तो जब तक कि जो कितना आगे है इंडिया को वहाँ से 5:30, देखो लिखा हुआ है इसमें अलग से दिख जाएगा 5:30, यानी 5 घंटे 30 मिनट का टाइम पीरियड एक्स्ट्रा है इंडिया का। अगर वहाँ वो मैच 2 बजे शुरू हुआ है तो इंडिया में उस टाइम पे, अगर वहाँ दोपहर के 2 बजे शुरू हुआ है तो इंडिया में इस टाइम पे 7:30 इवनिंग के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ईस्ट में हैं। ग्रीनविच से जो कंट्रीज़ ध्यान से सुनिएगा, जो कंट्रीज़ ग्रीनविच के ईस्ट में आ रही हैं, ईस्ट मतलब इधर वाली सारी कंट्री, वेस्ट मतलब इधर वाली सारी कंट्री, जो कंट्री ग्रीनविच के ईस्ट में आ रही हैं वहाँ टाइम प्लस में रहता है हमेशा, 0 डिग्री प्लस, जितना जितना आगे जाते रहेंगे डिग्री उतनी उतनी प्लस होती रहेगी, और जो टाइम वेस्ट में आता है वहाँ टाइम क्या होता रहता है, माइनस में होता रहता है, ओके। इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो मेरे पास पर्सनल नंबर पे कॉल कर लीजिए, ओके बेटा, टिल देन थैंक यू।